हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्टर कैपेसिटर के बारे में कि इसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये वर्किंग है या डेड है। दोस्तों, एक फिल्टर कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 330 UF 200 वोल्ट, जो कि कंप्यूटर के SMPS पावर सप्लाई में यूज़ किया जाता है इनपुट सेक्शन में। तो ये देखते हैं कि इसको कैसे चेक करना है कि ये वर्किंग है या डेड है। दोस्तों, सबसे पहले हम मल्टीमीटर का जो सेटिंग है उसको बजर मोड में कर लेंगे, यानी कि कंटिन्यूटी मोड में। कंटिन्यूटी मोड में दोस्तों क्या होता है कि मल्टीमीटर की जो दोनों लीड हैं उसको हम आपस में टच करेंगे तो एक कंटिन्यू बजर की आवाज़ आती है। ये कंपोनेंट्स की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए इस मोड पे किया जाता है। चलिए देखते हैं इस फिल्टर कैपेसिटर को, ये ओके है या नहीं। तो दोस्तों, इसकी जो दो पिने हैं, दोस्तों एक बात आपको बता दें कि इसकी जो फिल्टर पे जो पट्टी वाली साइड है, जो ये ग्रे कलर की पट्टी है, ये इसकी नेगेटिव साइड है, और दूसरी जो ब्लैक वाली साइड है ये इसकी पॉजिटिव साइड है। किसी भी फिल्टर में जो पट्टी वाली साइड होगी नेगेटिव होगी और जो ब्लैक होगी वो पॉजिटिव होगी। चलिए देखते हैं ये ओके है या नहीं। उसके लिए क्या करना है कि इसकी जो दो पिने हैं इस पर हम लगाते हैं, एक पिन पे ऐसे और दूसरी पे ऐसे। तो आपने देखा कोई रीडिंग नहीं आई, मीटर पे 0 है। अब हम लीड को चेंज कर देंगे, ब्लैक को यहाँ लगाएंगे और रेड को यहाँ लगाएंगे। तो आपने देखा हल्की सी बीप आने के बाद रीडिंग ख़त्म हो गई, इसका मतलब कि ये ओके है। अगर दोस्तों ये फिल्टर ख़राब होगा तो इन दोनों पिनों को ऐसे लगाने के बाद कंटिन्यू बजर की आवाज़ आएगी, बीप की आवाज़ आपको सुनाई देगी, तो इसका मतलब ये ओके है। चलिए एक छोटा फिल्टर ले लेते हैं, जैसे ये है। इसे आप देख रहे हैं कि एक साइड में पट्टी है जो इसकी नेगेटिव साइड है और दूसरी जो प्लेन है वो इसकी पॉजिटिव साइड है। इसको भी ऐसे चेक करना है, इसको यहाँ लगाएंगे पिन को और एक को यहाँ लगाएंगे। तो आपने मल्टीमीटर में देखा कि रीडिंग आने के बाद बंद हो गई। फिर हम लीड को चेंज कर देंगे, रेड को यहाँ लगाएंगे और ब्लैक को यहाँ लगाएंगे। तो बीप की आवाज़ आने के बाद जो रीडिंग आ रही है और ख़त्म हो गई, इसका मतलब ये वाला फिल्टर भी हमारा ओके है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इन दोनों दोनों पिनों पे मल्टीमीटर की लगाने से अगर कंटिन्यू बीप की आवाज़ आती है या बजर की आवाज़ सुनाई देती है तो ये फिल्टर हमारा ख़राब है, इसको यूज़ हम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।